Uirna mo ni nonda inu inu ena bisi ni mataka. Merse sumi da kena loma di na kena mikron. Sakena ngau na mita robi na nonda bang sengai kapa loma taki na ngani. Dalami na oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuel. Nama kiki rau ena bisi mataka. Boni ti kena mukrombuka. Ni boi ti ni kali mana mini ti me ono kena ti ni na kaloko. Ena radio Fiji One nando mo ibiti. Ina pina na mataka. Dan ramai na singa bo. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। पिछले तीन महीनों में हेल्पलाइन 1560 के जरिए घरेलू हिंसा के कॉल्स लगभग 170% बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1325 पर मदद की मांग बढ़ी है। मिनिस्टर फॉर वीमन मेरे से निबुनी वांगा का कहना है कि COVID-19 पेंडेमिक के तहत ये एक्सपेक्ट किया गया था तथा इस विषय पर काबू पाने के लिए स्टेक होल्डर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मिनिस्टर फॉर वीमन मेरे सैनी बुनी वांगा का कहना है कि काफी शर्म की बात है तथा सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन दो लोगों को हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है जिन पर बिना लंबासा में एक घर में आग लगाने के अभियोग लगे हैं। 40 वर्षीय सैमुमुद्दीन और 19 वर्षीय जुहैर फरहान आज सुबह लंबासा मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में उपस्थित हुए। दोनों पर घर में आग लगाने, किसी की हत्या करने और किसी के हत्या करने की कोशिश का अभियोग लगा है। पुलिस प्रोसिक्यूशन ने दोनों को जमानत पर छोड़े जाने का विरोध किया। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि दोनों इसी तरह एक अन्य मामले में शामिल है जिस पर पुलिस की छानबीन जारी है। बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों को जमानत दिया जा सकता है जबकि पहले भी हत्या के अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है। मामले को लंबासा हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। COVID-19 के कारण दुनिया भर में बिजनेसेस पर जिस तरह असर पड़ा है उसे फिजी भी बच नहीं पाया है। कई बिजनेसेस संघर्ष कर रहे हैं जबकि वे इस पेंडेमिक से हुए असर से उभर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि बिजनेसेस चलती रहे। अटॉर्नी जनरल अय्याज सैयद कय्यूम का कहना है कि फिजी को रिजिलियंट होने के साथ साथ इनोवेटिव भी रहना होगा। और खेलकूद की खबर में अन्य एथलीट्स जबकि ओलंपिक गेम्स में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे में फिजी स्विमर्स भी मेरिट के जरिए इसमें क्वालिफाई होना चाहते हैं। फिजी स्विमिंग को टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2 क्वार्टर मिला है लेकिन आज स्विमर्स क्वालिफाइंग टाइम्स को हासिल करना चाहते हैं। स्विमर्स को फिना ए और बी के क्वालिफाइंग टाइम में खेल मेल खाना होगा तथा फेडरेशन प्रेसिडेंट बेन रोवा स्विमर्स से मांग कर रही हैं कि अपने टारगेट्स पर फिर से गौर करें। सभी स्विमर्स को याद दिलाया गया है कि अपनी ट्रेनिंग जारी रखें। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश आपके हम सफर शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर।